नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाब, 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 वो जो लड़की क्लब में आपके पीछे पड़ी थी ना शाब, उसने दूसरे माले से कूदकर आत्महत्या कर ली शाब, और ये चिट्ठी आपके नाम छोड़ गई शाब। रानी, रात की गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करना। इससे पहले कि राजा के लिए मेरा पागलपन दुनिया के सामने मजाक बने, मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रश्मि, रश्मि, इसे जल्दी से स्कैनिंग रूम में ले जाओ, आप यहीं ठहरिए। ये सब क्या है रॉनी? तुम रश्मि को जानते हो तो उससे भाग क्यों रहे हो? अगर तुम्हारा नाम राजा है तो फिर रॉनी क्यों बने हो? और एक खून किसका हुआ था रॉनी? राणा साहब, मेरी जिंदगी ऐसे कई हजार सवालों की जंजीर है जिसके कई जवाब तो मुझे भी याद नहीं। मेरी सबसे पुरानी याद है सत्यनारायण मंदिर के नीचे लगने वाली उस आश्रमशाला की, जहां पर एक यतीम राजा को सड़क से उठाकर भर्ती कराया गया था। हाँ, तो बच्चों, भगवान की याचना में या परमात्मा की स्तुति में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बस, हमारे देश के हर कोने में कई ऐसे संत हो चुके हैं जिन्होंने भक्ति पे रचना की है। बबलू, तू एक संत कवि का नाम बता। संत कबीर। शाबाश, शाबाश। एक गधे, तू बता। संत ज्ञानेश्वर। अरे वाह वाह वाह, चल नीचे बैठ, चल। राजू, तू बता। हसरत जयपुरी। चुप 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 चुप। बेवकूफ, फिल्म के गीतकार को संत कवि कहता है। मगर मास्टर जी, उन्होंने भी तो भगवान की स्तुति पे गीत लिखा था। अच्छा, कौन सा गीत? माना तारा पता हरि दर्शन को आज तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी। चुप। जानते हो बच्चों, इस जैसे वाहियात नालायक बच्चे बड़े होकर क्या बनते हैं? नहीं नहीं, मेरी वजह से यह बैंक कभी बंद नहीं होगा। हाँ, थोड़े ही दिनों में मैं इतने फिक्स डिपॉजिट ला दूं। काट दिया। एक्सक्यूज मी। यस जी, मेरा नाम है सिद्धांत कपूर, वो मेरे दादाजी हैं दौलत राम कपूर, अफ्रीका में अपना कारोबार बेचकर स्वदेश लौटे हैं। माफ करना बहन जी, माफ करना। छड़ी छड़ी। धन्यवाद। $10,00,000 का फिक्स डिपॉजिट और अपने बैग में पड़े सारे हीरे जवाहरात किसी लॉकर में रखना चाहते हैं। है? लेकिन लेकिन क्या? दादाजी का कहना है कि जहाँ बड़े से बड़ा मंत्री रिश्वतखोर हो, वहाँ आम आदमी कम से कम चोर तो होगा ही। नहीं नहीं, मैंने उन्हें बहुत समझाया कि बहुत बड़ा बैंक है, बहुत नाम है इसका। हाँ, यहाँ आपकी दौलत बहुत हिफाजत से रहेगी। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि दलालों के चक्कर में बहुत से बैंकों का दिवाला निकल गया, बड़ी मुश्किल से उन्हें यहाँ तक लाया था। लेकिन मुझे नहीं लगता आप उन्हें समझा सकेंगे। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं दादाजी को समझाता हूँ। दादाजी, दादाजी, मैं यहाँ का बैंक मैनेजर हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे बैंक में कोई खतरा नहीं है। यहाँ दलालों की एंट्री बैन है, हम यहाँ किसी दलाल का खाता नहीं खोलते। चल चल, मैं अफ्रीका लौट जाता हूँ। दादाजी बहुत डर गए मैनेजर साहब,
अब मैंने नहीं रोका। नहीं, 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 मैं आप लोगों को मेरी बात सुने बगैर नहीं जाने दूंगा। कैसे नहीं जाने देंगे? नहीं जाने दूंगा। अरे ये कोई बैंक है? आपको भरोसा नहीं है तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि हमारा बैंक कितना मजबूत और महफूज है। चोरी नहीं तो कहा? अरे मेरी बात सुने भाई साहब, इसमें लाखों रुपए के हीरे जवाहरात है, मुझे जाने दीजिए, मुझे डर लगता है। दादाजी ये देखिए पहला दरवाजा, इसके की होल के पास कोई चाबी तो क्या उंगली भी ले जाए ना तो खतरे की घंटी बजती है। कहाँ? बैंक में? नहीं, पुलिस स्टेशन में। ये देखिए लेजर बीम सिस्टम, तेज हवा भी इन किरणों के पास जाना चाहे तो खतरे की घंटी यहाँ नहीं बजती, पुलिस थाने में बजती है। ये देखिए ऑटो लॉक सिस्टम दरवाजा, एक बार कोई भी अंदर जाए फिर बाहर आने की कोशिश करे तो खतरे की घंटी यहाँ नहीं बजती, पुलिस स्टेशन में बजती है। नहीं, अस्पताल में बजती है। अस्पताल में क्यों? क्योंकि अंदर शॉक लगता है। और इस मजबूत तिजोरी में आपके जेवरात बिल्कुल सेफ रहेंगे। मुझे मालूम था इस मजबूत तिजोरी का माल इसमें महफूज रहेगा, इसलिए मैं इसे खाली लाया। रूम कहाँ है? वहाँ उस तरफ है। गोपाल, तुझे 30 सेकंड में तिजोरी तक पहुंचकर 30 सेकंड में सारा रुपया बैग में भरना है। बाहर निकलने के लिए 30 सेकंड, और 30 सेकंड बहुत है पुलिस की नजर और पहुंच से दूर होने के लिए। अंडरस्टैंड? कम ऑन, सेट द बॉम्ब। झंझार सिंह ने पारसीवाड़ी में भारत जनता बैंक लूटकर एक बार फिर से डंक मारा है। यह उसका 13वां अपराध है और 4थी बैंक डकैती। पिछले 10 महीने में हमारा स्पेशल स्क्वाड उसे पकड़ने में नाकामयाब रहा है, लेकिन वो शहर में लगातार दहशत फैलाने में कामयाब होता जा रहा है। सारा शहर छान मारो, हर घर, हर दुकान, हर मोहल्ला, सारे शहर में नाकाबंदी कर दो, गवाहों को ढूंढो। इस बार झंझार सिंह पकड़ा ही जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ए, रुक, 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 चीप, रुक, चीप, रुक, रुक, रुक। गोपाल, इससे पहले कि बंबई के बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी शुरू हो, तू ये पैसे लेकर सूरत पहुंचना। 12:30 बजे की गाड़ी से निकल जाना, वहां तुझे सोना सिंह मिलेगा, वही तुझे आगे का गेम समझाएगा। साला, 40 सालों से मैं दूसरों की आंखों का सुरमा लाता रहा, और आज किसी दूसरे ने पहली बार मेरी आंखों में धूल झोंक दी। हराम सादा। दादू, मैंने तो माल इसलिए वापस कर दिया ताकि और निर्दोष लोगों की जाने न जाए। तूने ठीक किया बेटे, मगर आप घबराइए मत, अपना भैरू की अकेला काफी है इन गुंडों से लड़ने के लिए। नहीं, 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 नहीं। दादू, मैं आपसे वादा करता हूँ,
इस हरामजादे के सूरत पहुंचने से पहले ही हम कलाकारों से छीनी हुई एक एक पाई हम वापस ले लेंगे। सूरत जाने वाली सौराष्ट्र मेल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। साहब बैग 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 मेरे सर पे रख दे, तेरे तेरे वजन कम करता है। अबे खुद का वजन तो संभाला नहीं जा रहा है, मेरा वजन कम करने चला है। भगवान करे तुझे कीड़ा लगे, नहीं टाड़ा लगे। बैग में क्या है? और इसमें आ गया सर। ए कुले, चल ठीक है, ये ले सामान उठा, दोनों बैग साथ में रखना और याद रख बोगी नंबर 3 पे मिलना मुझे, बुलाना है। डर गए टाड़ा से क्या? चल चल चल। बक्सा कहाँ है? वो तो स्टेशन पे ही रह गया। उल्लू कपट्टा, अब नासिर पठान को क्या जवाब देंगे? 1 करोड़ का कर्जा अगर नहीं चुकाया तो गला काट देगा, समझा? दादू अगर आप जुए की लत नहीं छोड़ेंगे तो कर्जे की लाज जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। अब ये बता इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा कर? दादू एक आइडिया आया। क्या? क्यों ना धुनीचंद ज्वेलर्स की दुकान ही लूट ले, बहुत दिनों से काम लटका पड़ा, 1-2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, कर्जा भी चुकता हो जाएगा और अपनी जिंदगी भी सुधर जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन तू मनु से अगर साथ जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। तू ये बक्सा लेके गिरधारी में चला जा। 1:30 से 3 बजे तक धुनीचंद लंच के लिए दुकान बंद करके जाता है, वो खाना खाएगा अपन माल खा लेते हैं। बिल्कुल ठीक। 1 करोड़ का सोना। राम राम सेठ जी। राम राम, जय राम जी की। खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, दुकान का ख्याल रखना। अली, एक बात बताऊँ, शहर में आजकल डकैतियाँ बहुत बढ़ रही है। सेठ जी, हम लोगों से बड़ा डकैत और कौन हो सकता है? तभी तो आप लोगों को दुनिया सलाम करती है सरकार। जीते रहो, तुम्हारी लंबी उम्र हो।
और इतना माल हाथ आया है कि जिंदगी भर खाने पीने की कोई तकलीफ ही नहीं होगी। दादू पर आप जुआ फिर भी कम खेलना। चले 25 किलो का शाने माल ला फटाफट। अरे भाई चोर डाकू के भी कुछ ईमान कुछ उसूल होते हैं, एक बार लूटने के बाद फिर लूट रहे हो, तुम्हें तो हमसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। चले बुढ़ाओ ज्यादा बकबक दे, चले चिकने माल ला फटाफट चल। ए शाने हम लोगों को मार के तेरे को कुछ मिलेगा नहीं, माल ऐसी जगह छुपाया हुआ है कि ढूंढते ढूंढते तेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। ठीक है चल मारवाड़ कर लेते हैं। क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो? बैंक की सारी कैश तेरी, मारवाड़ी का सारा सोना मेरा, मंजूर है? मंजूर चल ठीक है, चल जा सामान माल ले जा। बंदूक फेंक, बंदूक फेंको पहले, बंदूक फेंको। ये ले चल देखता क्या, चल जल्दी कर। दादू का ख्याल रखना, आता हूँ। चल बेटा बैग फेंक। हाँ समझे समझे, तू माल फेंक मैं बैग फेंकता हूँ। चल 1 2 3 रुक बे वाह शाने। क्या यार कितना बड़ा चाकू, पहले आप उनके साथ भेड़ फिर उस बैग को हाथ लगा। चले बुढ़े गेन 1-2-3 गेन। अरे यार बगैर खुन्नस के लड़ना ही है तो ये तो तय कर ले कि वार कहाँ कहाँ मारना है, कितनी देर तक लड़ना है। भाई कायदा भी तो कोई चीज है कि नहीं? चले कायदा वायदा खुद नहीं, क्या नहीं है कायदा? दादूगिन दादूगिन 1-2-3 चल भाग दादू भाग। पीटर के जेवर 3 महीने के 3 महीने के प्लान पर सब सब बंद कर दिया रे। ये 50 लाख जेवर, ये अगले 3 महीनों में जहां पर हम ब्लास्ट करना था, जो बारूद हम 16-6 से खरीदने वाले थे, ये उसका पैसा था। अब मैं क्या छत पर खिलाऊंगा? यह जनसंख्या के साथ और लौटने की वजह से मैं क्या करूं? अरे झंझार भाई तुम फोकट का टेंशन ले रहे हैं, इस शहर के गली गली का हर एक छपरी हर एक आना शाना येड़ा गोपाल के नाम से थर्राता है मालूम। अरे उनमें से कोई ना कोई उस लौंडे का पता अपन के लिए ढूंढ निकालेगा ही, उसको टेंशन लेने की क्या बात है? तो फिर जाओ और कहीं से भी कैसे भी मेरा पैसा ढूंढ के लाओ और उन्हें ऐसी मौत दो कि फिर आएगा कोई चोर उचक्का हमारा रास्ता काटने की कोशिश ना करे। मेरा पैसा मेरा पैसा। कोई अंदर है? ए, क्या कर रहा है तू? चोरी कर रहा है? नहीं मैं चोर नहीं हूँ। पैर तो अभी दिखा दो। मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, वो फौजी ड्राइवर। मैं अंदर क्यों झांक रहे थे? मैं किसी को ढूंढ रहा था साहब। किसको ढूंढ रहे थे? एक लड़का है राजा, गोरा सा सुंदर सा। कौन वो चोरों चेक के राजा की तुम बात करो? अरे लगता है वो इसको भी टोपी पहना गया। वो हरे मकान में रहता है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो तो तेरी शर्ट भी उतार लेगा समझे। ये भी फंस गया राजा के। इसीलिए कह रहा हूँ बुड्ढे बक कुछ बक। गोपाल अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। अब तू ही जाकर उसको कुछ बोल, तू ही समझा उसको जाकर, तूने मेरा माल गवाया था ना जा। अरे मैं 2 घंटे से कह रहा हूँ माल मेरे पास नहीं, तुम्हें दिखता नहीं? जानता हूँ माल तेरे पास नहीं है, उन लोगों के पास है ना। मुझे इतना बता दे कि वो है कहाँ। अरे तेरी कसम हम प्यार से पैसे लेंगे और उनको जाने देंगे, चल बता दे। अरे मुझे क्या मालूम वो कहाँ गए हैं, तुम लोग जाओ यहाँ से। तुम मर दादू। मेरे
जाता बैंक को देखता हूं। यही कहीं छुपे होंगे। तुम उधर से चलो। तेज भरा, बच के जाने ने पैसा ला। चल फटाफट बता माल कहाँ है। जल्दी देख क्या रहा है, तेरे पुट्टे को तोड़ा दिया, तेरे को भी मारूंगा। चल अपने पास टाइम नहीं है, चल माल निकाल। बोलो। दुबे हियर, राजा नाम का एक लड़का झंझार की गोली से जख्मी होकर आयुर्वेदिक अस्पताल में दाखिल किया गया है सर, मगर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं। वो गवाही देने को तैयार नहीं? जी नहीं सर। ठीक है, मार डालूंगा मैं उसे, छोड़ दो मुझे। कहाँ चले गया दादू तू, कहाँ चले गया, कहाँ चले गया दादू तू, कहाँ चले गया। इतना छोटा सा था जब से उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, कौन प्यार करेगा मुझसे। उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं खून पी जाऊंगा मैं उसका। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। दादू कहां चला गया, दादू तू कहां चला गया, मुझे अकेला छोड़ के तू कहां चला गया, दादू कहां चला गया। ए, आ जाओ। वो बाहर निकल गया, वो बाल ठंडा हो गया। बरखुरदार, उस दरिंदे के गुनाह गिनते गिनते कानून की सारी धाराएं खत्म हो जाएंगी। वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तुम अकेले इकलौते इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे उसकी ताकत से तुम लोग डरते हो, वरना उसको पकड़ने के बजाय यहां दुबक कर पैरा नहीं दे रहे होते। तुम इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हो कि तुम्हारे लिए पुलिस बिठाई जाए। तुम चश्मदीद गवाह हो, तुमने उस हरामजादे की शक्ल देखी हुई है जो इस मुल्क के हर बड़े गुनाह और वारदात की आखिरी कड़ी है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है अदालत में तुम उसका बयान दो। तुम्हारी गवाही उसके गले में फंदा डालेगी और कानून उसकी रस्सी खींचेगा। गवाह बन जाऊं? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी बेरोजगार को रोजी दे रहे हो। कौन बनेगा गवाह, कौन भरोसा करता है तुम पे? अरे तुम लोगों को तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसा चाहिए, गिरफ्तारी के लिए पैसा चाहिए, कार्रवाई के लिए पैसा चाहिए। अरे तुम अपने सगे बाप के नहीं हो। शट अप। तो कौड़ी के आदमी बाप का मतलब जानते हो? अरे कीड़ा भी अपने बच्चों के साथ नाली में रहता है, लेकिन तुम जैसों को चौराहे पर फेंक देते हैं। तुम्हारे बाप ना तो बाप की जिम्मेदारी निभाते हैं और ना ही बच्चों की जवाबदारी। उन्होंने अय्याशी की और तुम्हें जिस्म का महल समझकर बाहर फेंक दिया। हाँ हाँ, मेरे बाप ने अय्याशी की और तुम्हारे बाप ने बिना कुछ किए पैदा कर दिया तुम्हें। बाप की बात करते हो? मेरे बाप का नाम गुरबचन सिंह था, बड़ा ही था वो। जानते हो उसने अपने बच्चों को क्या दिया? संस्कार।
अगर मुझे संस्कार नहीं मिले तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मगर उन संस्कारों की कमी को पूरा करने का मैं तुम्हें मौका तो दे रहा हूं। कैसा मौका? झंझार सिंह सिर्फ तुम्हारे दादू का ही खूनी नहीं है। ये देखो, दिल्ली की एक सरकारी बिल्डिंग में बम फोड़ा था उसने, 18 आदमी मरे। गुजरात की एक रिफाइनरी में आग लगवा दी थी उसने, 36 आदमी जलकर राख हो गए। इतना ही नहीं, कुछ अरसे पहले हमने उसके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें छुड़ाने के लिए उसने हमारे 3 सरकारी अधिकारियों को अगवा कर लिया, और जब हमारी सरकार ने उन आतंकवादियों को लौटाने से इंकार कर दिया तो झंझार सिंह ने एक एक करके तीनों को मार डाला। और उसके साथी जेल में मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। अरे काय का मुकदमा, काय की सजा, पब्लिक के पैसे का सत्यानाश साला। अरे जब उसने अपने एक आदमी को मारा, तुम उसके 2 आदमी को मार डालते, फिर देखते। राजा, तुम्हारा ये जोश मेरी उम्मीदें बढ़ा रहा है। देखो, चोरी के हजारों मौके मिले हैं तुम्हें, देश सेवा का एक मौका मिला है, निभा दो, अमर हो जाओगे। मौत की किसे परवाह है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे अदालत पहुंचने से पहले तुम्हारे ही आदमी झंझार सिंह को मुझ तक नहीं पहुंचाएंगे? मैं मानता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ गद्दारों की वजह से कुछ गवाहों की मौतें हुई हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि झंझार सिंह को अदालत में पहुंचाने के 8-10 महीने के अरसे तक मैं तुम्हें ऐसी जगह रखूंगा जहां पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे अलावा और किसी को खबर नहीं होगी।